हम लोग सब अपने जीवन में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस लेके घूम रहे हैं। आप विश्वास करिए या मत करिए, आपका जीवन किसी न किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सही वे में या गलत वे में, लेकिन लोग आपके जीवन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप अनचाहे भी लोगों को अपनी हरकतों से, अपने बातों से, अपने व्यवहार से, अपने जीने के तरीके से आप इन्फ्लुएंस करते हैं। पीटर की शैडो, लोग चाहते हैं कि उसकी शैडो उनके ऊपर आ जाए। ये पीटर का इन्फ्लुएंस का लेवल था कि ये आदमी बिना जाने भी लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा। और हमारे पास जो कुछ भी है, इंक्लूडिंग हमारा इन्फ्लुएंस, हम उसके स्टीवर्ड है, हम उसके मैनेजर है। मतलब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी लाइफ को ऐसा बनाए ताकि हम दूसरों पे सही इन्फ्लुएंस ला सके। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा जीते हैं, आप जो जैसा व्यवहार करते हैं, ये चीज़ों का इन्फ्लुएंस है, लोगों का इन्फ्लुएंस है जो आपकी लाइफ में है। आप अपने आप ऐसे नहीं बने। तो सवाल ये नहीं कि मेरे पर इन्फ्लुएंस है कि नहीं, सवाल यह है मेरे पर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है। पीटर ने किसी को नहीं बोला जहाँ मेरी परछाई गिरेगी वहाँ तुम अपना बिस्तरा लगा लो, नहीं। ये पीटर के ऊपर प्रभु का जो इन्फ्लुएंस था, पीटर के ऊपर जो प्रभु की ग्लोरी थी, वो ग्लोरी के कारण लोग चाहते थे कि पीटर यहाँ से गुजरे और उसकी परछाई हम पे पड़ जाए। तो पीटर हम लोग को क्या दिखा रहा है? पीटर शैडो का पावर दिखा रहा है। हमेशा बोलेंगे शैडो, आपकी शैडो पावरफुल है। आपके जीवन में जहाँ आपकी परछाई पड़ रही है वो बहुत पावरफुल चीज है। और अगर आपको प्रेयर करनी है तो आज आप भी यही प्रेयर करिए, प्रभु मेरी लाइफ को अफेक्टिव बनाइए, लॉर्ड मेक माई लाइफ अफेक्टिव, मेरी लाइफ को एक इन्फ्लुएंस बनाइए। अनइंटेंशनली, बिना चाहत के तो हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं। इंटेंशनली जब हम लोग कुछ प्रे भी करते हैं, उस प्रेयर का भी इन्फ्लुएंस हम पे। तो आज ये इंटेंशनल प्रेयर होना चाहिए कि प्रभु मेरी लाइफ को, मेरा इंटेंशन है कि मेरी लाइफ इन्फ्लुएंस बने। अगर आपको वो सीन याद है जो स्टीफन अपने मरते समय स्वर्ग का दर्शन देखता है और वो दर्शन वो लोगों को बताता है कि उसने महिमा के राजा को स्वर्ग में देखा, उसने प्रभु यीशु को स्वर्ग में देखा। क्या आपको मालूम है उसका ये दर्शन, मतलब उसकी मृत्यु के समय भी उसने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। और पॉल, सॉल का पॉल बनने में स्टीफन का ये एंड, उसकी मृत्यु का बहुत बड़ा रोल है। मतलब सॉल पॉल नहीं बनता अगर उस दिन वो सॉल खुद जब लोगों को उकसा रहा था उसको पत्थर मारने के लिए, तो लोगों ने अपने कपड़े जहां रखे, पॉल उन कपड़ों को देख, तो पॉल बाद में भी बोलता है कि मेरे हाथों में खून है। लेकिन वो जो सीन है, वो जो ग्लोरियस सीन है एक एक विश्वासी के शहीद होने का और उसकी टेस्टिमनी का कि मैंने स्वर्ग खुला देखा और मैं देखा प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान है, वो सीन, वो लाइफ, वो वर्ड्स और वो डेथ इस व्यक्ति को भी प्रभावित कर देती है। नहीं तो सॉल पॉल नहीं बनता। कल आपको चाहिए प्रभु मेरी शैडो को पावरफुल बनाइए, आपको लाइट के पास आना, कम्युनियन, लाइट से कम्युनियन, यही अपने आप में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे मैं किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल खत्म हो जाएगा अगर आप उसके पास आएंगे जो अनुग्रह देता है। आप बोले मेरे सपने पूरे नहीं हुए, नहीं, अगर आप समर्पण कर दोगे आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा, फिर वो आपको लेके चलेगा। अगर किसी भी चीज से आपको ओवरकम करना है, कोई भी कॉस्ट आप देने के लिए तैयार नहीं है, आपको कॉस्ट देना है, आपको सिर्फ एक ही जगह ना, आपको लाइट के पास आना है। बहुत से लोग जब हम कुछ गलत करते हैं, बहुत से लोग उनको अंदाजा भी नहीं होता वो क्या गलत कर रहे हैं, बट किसी को सिर्फ इस बात का भी एहसास होना कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो एक्सपोजर लाइट में ही होता है, वो लाइट का ही इन्फ्लुएंस है। तभी आप देखेंगे बहुत से लोग बाद में जाके सॉरी बोल देते, बहुत से लोग बाद में जाके रिकनसाइल कर लेते, बहुत से लोग वो मदद का हाथ बढ़ा देते, बहुत से लोग चीजें जहां खत्म हो गई थी वहां जाके वापस चालू कर देते। क्यों? वो जिस उपस्थिति में रहते हैं उस उपस्थिति का इन्फ्लुएंस सुनते हैं। आप बोले पश्चाताप, ज्यादा टाइम नहीं लगता, पाप को त्यागना ज्यादा समय नहीं लगेगा, गहरे परिवर्तन ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको और मुझे जीवन की ज्योति के पास आना, प्रभु यीशु के पास आना। जब लोग बैकस्लाइड करते एक दिन में नहीं करते, पहले गलत कंपनी में आएंगे, चर्च जाना बंद करेंगे, उन गलत दोस्तों का प्रभाव फिर उन पर होने लगेगा, लोगों के शब्द, कहाँ वो जाते हैं, कैसे म्यूजिक सुनते, कैसा
कैसे गाने सुनते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं। अगर आप वो व्यक्ति अचानक से आपकी सोच समझ, आपके हाव भाव, आपका तरीका बदल गया, आप जहाँ से चालू किए वो भूल गए, और अचानक से किसी के आपके जीवन में आने से आपका पूरा रवैया ही बदल गया, तो इसका मतलब आपके साथ क्या नहीं हुआ, इसका मतलब आपके साथ कौन हो गया, इसका मतलब किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा है और आपको मालूम भी नहीं वो इन्फ्लुएंस आपको किस तरफ लेके जा रहा है। और मेरा पॉइंट ये, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो छाया है वो प्रभावित करे लोगों को, तो उसके लिए रोशनी के साथ हमारी संगति की वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। प्रभु से मांगे, प्रभु मेरी परछाई लोगों को प्रभावित करे, मेरी लाइफ लोगों के लिए इन्फ्लुएंस बन जाए। प्रभु इतनी महिमा आपकी मेरे लाइफ में हो कि नोइंगली अनोइंगली, जाने या अनजान में, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मेरी लाइफ का इफेक्ट दूसरों की लाइफ पे हो, मेरी लाइफ का इन्फ्लुएंस दूसरों की लाइफ पे हो, कि बहुत से लोग मेरे जीवन को देख के प्रभावित होकर आपके पीछे चले, बहुत से लोग मुझे देख के प्रभावित होकर आपकी सेवा करें।